अगर मुनि जी, सबसे पहले जो इन दिनों, हालांकि आपकी बेबाक टिप्पणी रहती हैं, राष्ट्रीय विषयों को आप टच करते हो, लेकिन अभी आपने एक बयान दिया है कि जो मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए खतरा है। हाँ, देखिए, जिस तरह से मुसलमानों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, मैं उसको देश के लिए खतरे की घंटी समझता हूँ। सभी मुसलमान ऐसे हों ऐसा नहीं है, बहुत सारे मुसलमानों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी है, आज़ादी के लिए अपने खून बहाया है, और आज भी उनकी रगों में राष्ट्रभक्ति भरी हुई है, और देश की आन बान शान के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ऐसे मुसलमानों का अभिनंदन किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो खुलेआम की नारा लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जब कभी पाकिस्तान क्रिकेट जीतता है तो आतिशबाजी करते हैं, और भारत क्रिकेट जीतता है तो दुबक करके बैठ जाते हैं। तो इस तरह के जो मुसलमान हैं उनको चिन्हित किया जाना चाहिए। तो इस तरह के जो मुसलमान हैं मैं उनको देश के लिए खतरा मानता हूँ। ये एक लगातार बड़ा सब्जेक्ट रहा है कि देश की जनसंख्या नीति क्या हो। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए 5-5 बच्चे पैदा करने चाहिए। कई बार चूंकि नीति साफ है, 2 बच्चे होने चाहिए। आपने कहा है हिंदू हो या मुसलमान हो, 2 बच्चे पैदा करने चाहिए। देखिए, बहुत ही क्लियर बात है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करना चाहिए, 10 बच्चे पैदा करना चाहिए, ऐसा कहना गलत है। लेकिन हिंदुस्तान में 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा ना करने का कानून होना चाहिए, और इसकी हिंदू हो या मुसलमान, ये कानून सबके लिए होना चाहिए, और जो इसकी खिलाफत करे उसे सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए, उसे मत अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हम कुछ कर सके तो जो देश में आबादी का विस्फोटक हो रहा है और हिंदू मुसलमान के बीच में जो एक आनुपातिक संतुलन है वो गड़बड़ा रहा है, मैं समझता हूँ हम काफ़ी हद तक उस पर काबू पा सकते हैं। आप जो बात कह रहे हैं वो कई बार गाहे बगाहे उठती रहती है कि जनसंख्या घटनी चाहिए, 2 बच्चे हमको पैदा करने चाहिए। लोकतंत्र है, चूँकि सारी चीज़ होनी तो राजनीति के दायरे से ही है, संसद कानून लाएगा, विधानसभाएं लागू करेंगी, तमाम चीज़ें। तो क्या देश के नेता इन चीज़ों से अवगत नहीं है, उनको पता नहीं है देश में क्या हो रहा है? हाँ, देखिए, देश के नेता इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वोट बैंक आड़े आ जाता है, वोटों की राजनीति आड़े आ जाती है, इसलिए किसी भी नेता से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो इस विषय को छेड़ेगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर देश को बचाना है तो आज नहीं कल सोचना पड़ेगा। हमारी आपकी ज़िंदगी तो कट जाएगी, आने वाले बच्चों की ज़िंदगी भी कट जाएगी, लेकिन उसके बाद जो समय होगा वो समय खतरनाक होगा।